गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कल रात को यार इतना लेट हो गया था पार्टी करते करते कि व्लॉग का एंड ही नहीं कर पाए। तो भाई रूम टूर तो मैंने आपको कराया ही था, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत सही माहौल था। कल रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, अभी कुछ 15-16 डिग्री के आसपास होगा और रास्ते में कुछ 30 डिग्री के आसपास तापमान था। और लास्ट जब 5 या 6 किलोमीटर बचे थे ऊटी में आने के लिए, तब पूरा मौसम एकदम से चेंज हो गया। तो आज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं ऊटी टॉय ट्रेन के लिए और फिर दिखाते हैं कि ऊटी टॉय ट्रेन कैसी है। ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, 10 डिग्री के आसपास था भाई। कल बहुत ही सही माहौल रहा, एकदम मज़ा आ गया। और भाई सुबह सुबह सनराइज हो रहा, बहुत बेहतरीन मस्त। देखिए गुड मॉर्निंग तिवारी, क्या हाल है भाई? ठंड लगी कि नहीं लगी रात में? नहीं, नहीं लगी। तीनों साथ में सोए कुछ नहीं भाई। 12-13 डिग्री हो रहा है भाई, क्या वेदर हो रहा है भाई। और ये अपनी कार रखी हुई है अपने कॉटेज के सामने, सबका एक पर्सनल कॉटेज है और भाई सबकी बालकनी है पर्सनल, एक एक बेहतरीन ऐसा कुछ बैठने का इंतज़ाम है भाई। यहाँ अपने ड्राइवर लोग सो रहे हैं, कुछ कुछ जो ड्राइवर लेके आए, अपन तो खुद ही अपनी गाड़ी लेके आए हैं भाई। पराठे खाते हैं निकलते हैं, कल रात में पराठे वराठे मंगा लिए थे, सब पड़ा हुआ है ऐसे ही, उनको गर्म करना है, निपटाना है, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना है। और निकलते हैं फिर यहाँ से आगे की तरफ। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, अगेन गुड मॉर्निंग बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये चारों जो है वो अब इस समय साथ में आए हैं। तो दोस्तों चारों लोग गुड मॉर्निंग बोल दो, थोड़ा सा हाय ऐसे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड तिवारी जी, गुड मॉर्निंग भाई। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग टॉय ट्रेन, जैसा कि वीडियो में आपको बताया ही है। और चलिए भाई एनर्जी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं जय माता दी। भाई स्टेशन आ गए, लगी हुई थी टिकट के लिए और देखिए कितना प्यार मोहब्बत वाला भी इस समय है। और टाइम से हमें थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे हैं क्योंकि हम पंक्चुअल हैं। और अब मचाइए धमाल, अंदर घुस के बहुत खतरनाक है। और भाई यहाँ रखिए ट्रेन, खड़ी है यहाँ खड़ी हुई है ट्रेन भाई। भाई टिकट तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, अदरवाइज ऐसी कुछ भीड़ होनी होती। और ये है कुछ ट्रेन का पहला ग्लिम्स, लोको पायलट, लोको इंजन। टॉय ट्रेन, ये इसका इंजन है, चला दे क्या इसको, करा दे रन स्पीड में, लगा देते भाई क्लिच ब्रेक दबा देते। ये लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। ये देखिए तिवारी को, आहा। तो भाई लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो मेरे ख्याल में ये हेरिटेज म्यूजियम भी हमने घूमा था, ये खुला हुआ था। अभी तो इस समय ये बंद है, तो ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने लायक नहीं है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 day 1 हिंदी वर्ड, हिंदी प्रवेश एंट्री। भाई तमिल वाला तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा भाई। ऐसा कुछ रूम का किराया है यहाँ पर, डेली रूम मार्च से मई, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर 1400 एंड जैन फैब जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर 800 रुपये। यहाँ छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जिसमें चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। यहाँ कुछ गोली बिस्किट की शॉप भी है भाई, गोली बिस्किट जिसको कुछ खाना है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। ट्रेन सटीक लग रही है लेकिन ये क्या चीज़ है भाई, ये डीजल वीजल भरने की चीज़ है क्या कुछ? आई थिंक लगता है सही रहा, डीजल वीजल डालने का नहीं, डीजल डालने का नहीं है ये यार कुछ और ही सिस्टम है भाई। कमेंट करके बताओ कि क्या सिस्टम है ये। और अभी टाइम हो रहा है 8:27 और मौसम है बहुत ही सनी, और ये लोग हो रहे हैं सनीचर चीज। और भाई ऐसा कुछ स्टेशन है, आपने काफ़ी सारे वीडियो में देखा ही होगा, तो ये सब तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बस मैं दिखाऊंगा ये ट्रेन जिसमें हम लोग अभी बोर्ड करने वाले हैं और फिर यहाँ से सरपट भागेंगे भाई। बहुत सारे स्टेशन हैं यहाँ पर,
लवडेल करके एक स्टेशन आने वाला है, तो वो दिखाऊँ आगे चल के भी। और भाई ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, ब्रिटिश सरकार के ज़माने की भाई 100 साल से ऊपर इस ट्रेन को हो गया है। और हम लोग जा रहे हैं ऊटी से कुन्नूर, और कुन्नूर से फिर पकड़ेंगे बस या फिर टैक्सी, और वहाँ से पायकरा लेक वगैरह ये सब होते हुए आएंगे। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है, ये फर्स्ट क्लास है, पहला वाला जो है अगर आपको दिख रहा हो, और उसके पीछे जो है वो सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास की टिकट कुछ 200-250 रुपए के आसपास है, और जो सेकंड क्लास है उसकी टिकट है 150 रुपए। टिकट हम लोग की ऑलरेडी ऑनलाइन बुक है, तो बस हम लोग को यहाँ से अभी ट्रेन चालू होगी तो बैठना है और फिर निकलना है। काफ़ी सारी इसमें टनल आने वाली है, ऑलमोस्ट 25-30 के आसपास कुछ टनल आने वाली है, और काफ़ी सारे 250 ब्रिजेस हैं। यहाँ से कोयम्बटूर तक ये ट्रेन लेके जाती है, और बहुत सही ट्रेन है। यहाँ से एक बार जाती है तो वहाँ 2 बजे के आसपास पहुँचती है, और वहाँ से फिर एक बार लौट के आती है। और सेम ऐसी एक ट्रेन कोयम्बटूर से आती है, वो दोपहर के आसपास 12 बजे के आसपास यहाँ आती है, और फिर यहाँ से 2 बजे चलती है वापस। और ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, और पीछे रील्स बन रही हैं काफ़ी सारी, और रील्स का दौर जारी है, और अपना ये वाला दौर जारी है, सब अपने अपने दौर चला रहे हैं। तिवारी भी कहीं गायब है, उसका भी एक दौर चल रहा है। कहाँ है तिवारी? गायब है भाई। भाई इडली और चाय का हो रहा है नाश्ता दोबारा एक और बार। ये ट्रेन आ गई है, जो आने वाली ट्रेन है उसमें बैठ के निकलते हैं थोड़ी देर से। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये फर्स्ट क्लास है भाई। ये इसका इंजन भाई डीजल इंजन। ये म्यूजियम है, खुल गया ये। कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पर ऐसी। रैक बार करके कुछ होता है ये भाई। सब लोग तैनात हैं भाई, बैठ गए अंदर ट्रेन में। ऐसी कुछ ट्रेन का नज़ारा है, अंदर से दिखाते हैं अभी। बैठ गए भाई ट्रेन में और निकलने की तैयारी करते हैं इधर से। थोड़ी देर में ट्रेन डिपार्ट होगी। ऑल सेट टू डिपार्ट भाई, सब कुछ तैयारी हो गई है। TCC यहाँ चेक कर रहा है सब हिसाब किताब। निकलने की एकदम बेहतरीन तैयारी है। यहाँ कुछ सुवेनियर शॉप है, यहाँ से कुछ कुछ ले सकते हैं। टिकट चेकिंग हो रही है, ये फर्स्ट क्लास है भाई। थोड़ा सा ये मेरे ख्याल में TC का रूम है। नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास में सारा अलग अलग ही है भाई। अरे मस्त यार, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज आपका स्वागत करता है। पूरी ट्रेन हाउसफुल है भाई, आज है फ्राइडे, कोई वीकेंड नहीं है, और पूरी हाउसफुल ट्रेन है। ये हमारा कोच है, ये भाई झंडी वंडी लेके जा रहे हैं, बस निकलने वाली है। 9:15 टाइम हो गया, गेट लगना चालू हो गए हैं सारे। पीछे मस्त ट्रेन जा रही है भाई, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ब्रिटिश हेरिटेज, नॉट ब्रिटिश हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। अरे भाई गया, अरे कना भाई, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा, एकदम ग्रीनरी, इतना सुंदर लग रहा है। मेगा कैसा लग रहा है? मैं बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा है।
भाई वर्थ है आना कि नहीं ये बताओ? वर्थ है, बिल्कुल आना चाहिए। मजा आ रहा है यहाँ पे लोगों को भाई, 150 रुपए में इसको बोलते पैसा वसूल ट्रिप। ओ ओ टनल, अरे टनल निकल गई। गगा हाय बोल दो, गगा हाय। स्टेशन का नाम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लवडेल, और लवडेल आ गया है यहाँ पर। और आप जैसा कि देख ही रहे होगे मोबाइल में, मतलब वीडियो में, अब यहाँ उतरेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे नेक्स्ट स्टेशन। भाई लोग खिड़की खिड़की के बाहर लटक गए हैं, मतलब ये लोग भाई आ गए हैं कन्नूर। लोकोमोटिव इंजन, डीजल इंजन, और ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ब्यूटीफुल भाई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। कुन्नूर टू उद्गम मंडलम। और भाई अगर ये फुल टूर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल दी लेटेस्ट वीडियोस एंड ऑल दी न्यू वीडियो रिलेटेड टू ट्रैवल ब्लॉग एंड द क्रिकेट ब्लॉग। भाई अभी इंजन में से धुआं हुआ निकल रहा है, बस ये रेडी हो रहा है, तो अब जो इसके पीछे जो ट्रेन लगी है वो जाएगी उद्गम मंडलम। पहुँच गए हैं कुन्नूर, और ये आदमी इनको पागल बना रहा है भाई। समुद्र तल से 5600 फीट की ऊंचाई पे, अरे वो लिखा हुआ है। बेंगलोर से भी ऊंचा होगा। हाँ बेंगलोर 1000 मीटर है, ये 1700 मीटर है। वापस आ जाएंगे यार, कितना, एक घंटे का ही तो रास्ता है। अब हम जा रहे हैं बस, 1 आवर का ही तो रास्ता है। चले गाड़ी उठा, ये होशियार बंदा पागल बन के नहीं आया। अब भाई पहुंच के हम अपनी गाड़ी उठाएंगे और फिर हम जाएंगे अलग ट्रिप पे। कहाँ पर जाएंगे फिर? फिर हम लोग देखेंगे यहाँ के ट्रेन में बैठे बैठे थक गई है। लोकल साइट सीइंग करेंगे। अरे यार बहुत टंग ट्विस्टिंग हो गया है। लोकल साइट सीइंग करेंगे और अभी पहले लेने जा रहे हैं अपन अपनी कार। मैं सोचा हूँ कि मैं कार ले आता हूँ, इन लोग को यहाँ छोड़ देता हूँ, तो ये लोग ना आराम से अपना घूम लेंगे और तब तक हम लोग कार लेके आ जाएंगे और फिर कार से लोकल साइट सीइंग करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है। भाई बहुत देर से बस का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पे बस तो आ नहीं रही है, तो फिर एक कैब की है ऊटी तक 1000 रुपीज में, बस इससे निकलते हैं पहुँचते हैं ऊटी। तो भाई जब भी आओ तो थोड़ा सा कन्वेंस का देख के आओ, या तो गाड़ी मंगवा लो या फिर वही है कैब करना पड़ेगा लौटते में। पर स्टेशन पर इसका 1500 बोल रहे थे, यहाँ तो आपका 1000 नहीं होगा। Dil lagi 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 dil l